तो टेंथ क्लास की साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, ये पहला चैप्टर है। इसका अभ्यास अपन कर रहे हैं। सभी दोस्तों का राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में बहुत स्वागत है। और विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 पहले अभ्यास का, निम्नलिखित इसको पढ़ लीजिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए और उन्हें संतुलित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला कथन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया बनाती है। तो इसको हम कैसे लिखें, इसको लिखने का क्या तरीका हमारा है, इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक लिखना पड़ते हैं और यौगिक के सूत्र लिखना पड़ते हैं। चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन, हमारा ए वाला फर्स्ट वाला लिख रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र है एंट। नाइट्रोजन एक गैस है दोस्तों, वायुमंडल में पाई जाती है और इसमें तीन हाइड्रोजन के अणु लेंगे अपन। ये हाइड्रोजन के अणु लेंगे, उत्क्रमणी क्रिया है तो दो तरफ तीन लगाना पड़ेगा। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां बन रही है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH3। अब इसको संतुलित करने का हमारा क्या तरीका है, मैंने संतुलित करने का एक अलग से वीडियो डाला था, उसको देख लीजिए आप फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी हम यहां पर तत्काल में ये चीज बताते हैं कि दो हाइड्रोजन यहां पर है, तीन हाइड्रोजन यहां पर है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणु में RHS में है। तो इन तीन को यहां पे लाएंगे, ये लगा दिया तीन, इन तीन को वहां से यहां लाना है और तुरंत इन दो को यहां ले जाना है, तो यहां दो का गुणा कर दिया तो ये समीकरण भी हमारा संतुलित हो जाएगा। आए समझे फ्रेंड्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया गैस बनाती है, ये पहला कथन हो गया और संतुलित हो गया। अब हम चलते हैं बी पर। बी कथन पढ़ा आपने, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो हम देखते हैं हमारी जो गैस है वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारी वायु है और वायु से क्रिया करेगी। अब वायु से क्रिया करेगी तो इन्होंने क्या बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, सूत्र क्या होता है SO2 बनेगी और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2O, जल बनेगा, राइट। अब इसको हम कैसे संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन इधर दो है, साइड भी दो है RHS में, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन तीन है, वहां ऑक्सीजन नहीं, यहां दो। चलिए ऑक्सीजन संतुलित करना है तो ऑक्सीजन कैसे संतुलित करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब दो ऑक्सीजन विषम संख्या है, इधर सम संख्या है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें दो का गुणा करेंगे तो यहां जल में भी दो का गुणा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दो दूनी चार, दो दूनी चार, हाइड्रोजन इस तरफ, चार हाइड्रोजन इस तरफ। उसके बाद हम, अब यहां सल्फर दो हो गए, यहां सल्फर एक है, तो यहां भी हमें दो का गुणा करना पड़ेगा, वही समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन दो दूनी चार और दो छह, तो यहां पर हम तीन का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बैलेंस हो गया है। हम चलते हैं तीसरे समीकरण पर, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, ये शुद्ध होता है। एक्चुअली इसकी संयोजकता नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसकी संयोजकता यहां आती है और इसका आवेश यहां आ जाता है। किससे क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, ये फॉर्मूला। तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे बनेगा, उसने दिया है बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसको हमें कैसे बैलेंस करना है, देखो यहां तीन सल्फेट है तो बेरियम सल्फेट तीन तो बनेगी, तो यहां तीन हम पहले से लगा दिए, ठीक है। उसके बाद यहां एल्यूमिनियम दो है तो यहां दो एल्यूमिनियम बनेंगे। अब क्लोरीन कितने होगा यहां पे फ्रेंड्स, तीन दूनी छह, तो यहां पर बेरियम हमें कितना लगाना पड़ेगा, यहां बेरियम क्लोराइड तीन लेना पड़ेगा ताकि तीन दूनी छह, तीन बेरियम छह क्लोराइड, छह क्लोराइड, तीन सल्फेट, तीन सल्फेट, एल्यूमिनियम, तो ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे बैलेंस करती है, तरीके बैलेंस करने का है। बैलेंस करने की हेटरो ट्रायल मेथड का वीडियो
अपलोड है 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं जो बच्चे प्रॉब्लम वाले हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। पोटेशियम धातु ये जल और इसकी क्रिया ये हो गई। पोटेशियम की जल से क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है KOH और हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन गैस हो गई। इसको बैलेंस करेंगे तो हमें वही हाइड्रोजन पहले बैलेंस करना पड़ेगा, दो लगाएंगे यहाँ भी दो लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा बड़े आसानी से। तो ये आपने समीकरण संतुलित करने का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर पढ़ रहे अपन। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरण संतुलित करने का तरीका जो मैंने बताया है उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और बड़े नजर से देखना है। नाइट्रिक अम्ल क्या सूत्र होता है गाइस नाइट्रिक एसिड का HNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COOH2। ये अम्ल है ये क्षार है। अम्ल क्षार बड़ी तेजी से क्रिया करके आपस में लवण और जल बनाते हैं। लवण कौन सा बन रहा है आप देखिए कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनेगा। इसको हमें संतुलित करना है बड़ा आसान बहुत ही सरल तरीके से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन एक है यहाँ दो है तो कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं 3 वहां पर दो हाइड्रोजन तो यहाँ पहले 2 लगा दीजिए नाइट्रिक एसिड में ताकि दोनों 4 विषम संख्या संतुलित यहाँ पे 2 वाटर हो जाएंगे 2H2O इस प्रकार से। उसके बाद फिर देखिए कैल्शियम एक है नाइट्रेट 2 हो गए ये बैलेंस हो गया बिल्कुल सरल तरीके से। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से संयोग करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाता है ये हमारा पहला सवाल समीकरण हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है NaOH। ध्यान से वीडियो को देखना है पूरा वीडियो देखना है जब आपको समझ में आएगा और पूरा समीकरण संतुलित करने की जो मेथड है वो आपको बनने लगेगी पक्का। गाइस देखना H2SO4 क्या नाम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है किससे क्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट लवण और जल। अम्ल क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। संतुलित करना है तो हमें मुश्किल नहीं यहाँ पे दो सोडियम एक सोडियम है यहाँ दो सोडियम है यहाँ पे अपन दो लगा देते सामने से दो लगा दिया। अब इससे क्या होगा जल भी दो बनाना पड़ेंगे 2H2O क्योंकि दो H हो जाएंगे पहले से थे और दो OH हो गए तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा अपना। इस तरीके से हम एक एक करके सभी बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl साधारण नमक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है ये तो बहुत प्रसिद्ध है अवक्षेपण क्रिया है। सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है AgCl और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NaNO3 और बड़े आसानी से ये अपने आप बैलेंस भी हो गया सब में एक एक अणु ही लग रहे हैं तो संतुलित करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। आगे बेरियम क्लोराइड H2SO4 से क्रिया कर रहा है ये भी अवक्षेपण क्रिया का उदाहरण है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 ठीक है और एक फॉर्मूला है H2SO4 का तो ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा छात्रों BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ में इसके दो Cl इसके दो H मतलब इतना निकल गया ऐसे भी कह सकते हैं अपन ये पोर्शन इसका निकल गया तो ये क्या बनाएगा 2HCl। तो ये 4 समीकरण जो है आपको संतुलित करना थे और ये 4 समीकरण आपके सामने संतुलित है। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखो भाषा में दिया गया है और आपको समीकरण बना के उसको लिखना है तो इसका क्या तरीका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बड़ा सरल है आसान है गाइस बिल्कुल सरल तरीके से देख लीजिए आप 7 का ए क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ये इसको चूने का पानी भी कह सकते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से प्रवाहित करेंगे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी मिलेगा आपको कि चूने के पानी में, ये चूने का पानी कहलाता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया क्यों हो जाता है, उसका भी ये कारण समझ लेंगे आप और समीकरण भी संतुलित करना समझ लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि अल्प विलेय है इसलिए पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के बाय बाय वगैरह में गाइस पूछा जाता है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। तो जिंक हमारा ये होता है, इसको जस्ता भी बोलते हैं हिंदी में, और ये करेगा जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अब जिंक की दो संयोजकता होती है, जिंक पे दो आवेश आते हैं जबकि सिल्वर पे एक आवेश आता है, तो जिंक नाइट्रेट ऐसे बनेगा, ये बनेगा और यहाँ सिल्वर बनेगी। इसको बैलेंस करना है, संतुलित नहीं है अभी ये जिंक दो, अभी यहाँ NO3 एक है नाइट्रेट, यहाँ दो नाइट्रेट, तो यहाँ सामने दो लगा दीजिए आप, तो दो सिल्वर हो गए दो, और यहाँ भी दो लगा दीजिए, इससे हमें पूरी चीज क्लियर हो जाएगी और हमारा दूसरा समीकरण संतुलित समझ में आएगा। कोई दिक्कत गाइस बता दीजिए आप हमें, कमेंट्स कर सकते हैं यदि कोई परेशानी आपको जा रही है तो। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। बिल्कुल सरल है, एल्यूमिनियम एक धातु है और ये कॉपर क्लोराइड है, इसको बैलेंस करेंगे अपन तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसका फॉर्मूला है AlCl3, ठीक है, और कॉपर धातु बनेगी। बारी आ गई संतुलित करने की, तो बिल्कुल आसानी संतुलित हो जाएगा। कैसे, इसमें तीन क्लोरीन, इसमें दो क्लोरीन, पहले तो अपन क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। हेट और ट्रायल मेथड में यही सबसे बड़ा तरीका है कि सबसे ज्यादा परमाणु को पहले बैलेंस करिए आप, तो यहाँ तीन को यहाँ ला रहे हैं ये देखो, और दो को यहाँ ले जा रहे हैं, ये पहला काम हो गया और सबसे महत्वपूर्ण भी है। इतना काम हो गया, तीन को यहाँ लाए, यहाँ तीन लगा दिया और यहाँ दो लगा दिया। उसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, एली कापर कितने हैं, तीन, तो इसमें तीन कापर लगा दीजिए। एल्यूमिनियम कितने हैं, तो इसमें दो लगा दीजिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं अपन, डी नंबर का है। इसमें क्या है, डी नंबर में बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला अपन ने अभी अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 में, BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है। गाइस समझ में आ रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम पे दो आवेश होते हैं, क्षारीय मृदा धातु है बेरियम, पोटेशियम क्षारीय धातु है एक वर्ग की है, और पोटेशियम क्लोराइड तो साफ साफ दिख रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना ये देखिए मैंने बॉक्स बना दिया, इसके दो पोटेशियम दो क्लोराइड क्या बन जाएंगे, दो KCl। तो इस प्रकार हम इसको संतुलित कर सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िए, इसको निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस अभिक्रिया के समीकरण लिखना है, साथ में अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताना है। तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र है KBr, बेरियम आयोडाइड का सूत्र क्या है Bai2। जैसा मैंने बताया कि बेरियम पर दो आवेश होते हैं, दो वर्ग की धातु है, पोटेशियम एक वर्ग की धातु है। आवर्त सारणी में ऐसा पढ़ेंगे आप हाई क्लास में, 11th क्लास में, लेकिन यहीं पढ़ लें पोटेशियम के। अब इसके आगे हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा,
और पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, दो के आई संतुलित भी इसको मैंने कर दिया है, यहाँ भी आप दो लगा देंगे तो ये पूरा तरीके से संतुलित हो जाएगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमारा। अब इसमें एक चीज और बताना है, ये कौन सी क्रिया है दोस्तों। क्रियाओं के प्रकार का वीडियो हमारा काफी वायरल हुआ था, उसको जरूर देख लीजिए आप अगर, 10th क्लास की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। देखिए ब्रोमाइड को किसने हटाया, आई ने हटाया, हटाया, और आई को किसने हटाया, ब्रोमाइड ने हटाया, मतलब द्वि विस्थापन क्रिया। ये द्वि विस्थापन क्रिया है, इसमें दो धातु हटा रही है तो इसको हम द्वि विस्थापन कहेंगे। एक धातु दूसरी धातु के लवण को, दूसरी धातु पहली धातु के लवण को, इसको द्वि विस्थापन क्रिया कहते हैं या द्वि प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। तो ये पहली क्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार आती है। जिंक कार्बोनेट, इसका फार्मूला है ZnCO3, इसको अपन गर्म कर रहे हैं दोस्तों। गर्म करने को डेल्टा का निशान भी बना सकते हैं, या तो डेल्टा का निशान बना दो या यहाँ लिख दो गर्म करना, एक ही बात है, कोई चीज एक कर सकते हैं, मैंने दोनों कर दिए हैं, आप एक करिएगा। जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये बनता है ZnO+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब गैस निकलती है तीर ऊपर लगता है, नीचे तीर लगता है मतलब अघुलनशील पदार्थ बना, अवक्षेप बना, केमिस्ट्री में अवक्षेप होते हैं। तो ये संतुलित है समीकरण। ये कौन सा प्रकार अभिक्रिया का प्रकार है, ये है वियोजन क्रिया। ये एक यौगिक छोटे दूसरे यौगिकों में टूट जाता है तो इसको कहेंगे अपन वियोजन क्रिया, जो कि संयोजन की विपरीत क्रिया है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार में। तीसरा प्रकार हमारा क्या है बच्चों, तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके। ये हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये क्रिया करके बना रहा है HCl। तो यहां पर दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, और जब संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं तो उसको संयोजन क्रिया कहते हैं। ऊपर वियोजन क्रिया है, नीचे संयोजन उसकी विपरीत क्रिया है। तो ये पूरी चीजें क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है, तो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हर बार आता है एग्जाम में, डी नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला प्रतीक है Mg, और हाइड्रोजन क्लोराइड का है आप जानते हैं HCl। तो इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस, साथ में क्या बनेगा, साथ है बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये फिर गैस बन गई। कौन सी क्रिया है, ये विस्थापन क्रिया है दोस्तों, इसको यहां पर लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन की क्या पहचान है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब एक परमाणु का प्रतिस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन क्रिया है। इसमें दो तत्व आपस में संयोग कर यौगिक बना रहा है, संयोजन क्रिया है। एक यौगिक दो अलग अलग यौगिक या तत्व में टूट रहा है, वियोजन क्रिया है। इसमें ब्रोमाइड को आई से और आई को ब्रोमाइड से हटाया गया था, ये द्वि प्रतिस्थापन क्रिया है। तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे। आपने समय दिया, थैंक यू।